फॉर्मूला ऑफ साइन 3x, बिल्कुल सिंपल आसान स्टेप में समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन b, यह रहता है। यहाँ पे 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस x लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए a इक्वल टू कितना बन गया 2x और b इक्वल टू x बन गया, ठीक है। इसका कंपेयर करो a प्लस b, यहाँ क्या 2x प्लस x, तो ये a बन जाता है, ये b बन जाता है। तो यहाँ पे फाइनली आपका साइन 3x को हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह 2x, b की जगह x, a की जगह 2x, b की जगह x। साइन 2x का फॉर्मूला दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, 2 साइन x cos x, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला, cos x की जगह आपका cos x। cos 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और साथ में आपका यहाँ पर साइन x। कोस एक्स, कोस एक्स क्या आ गया, कोस स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाता है आपका साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स क्या बन गया, साइन क्यूब एक्स, ठीक है। यहाँ भी कोस स्क्वायर है, यहाँ भी कोस स्क्वायर है, या ऐसे समझ लो 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स कितना बन गया, 3 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स बन गया। यहाँ पे माइनस क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ओके। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका बन जाएगा 3 साइन एक्स माइनस ये 3 साइन एक्स का अंदर गुणा होगा इसके साथ, तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस 3 साइन क्यूब एक्स, और माइनस साइन क्यूब एक्स कितना बन गया, 4 साइन क्यूब एक्स। यही आपका दोस्तों यहाँ पे फाइनल साइन 3x का फॉर्मूला है।